अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक और गाड़ी के साथ हाजिर हूँ, एक और नए रिव्यू के साथ। आज जो हमारे पास गाड़ी है, माशाल्लाह प्राडो गाड़ी है, ओल्ड मॉडल है, 1997 मॉडल है, 6 की इंपोर्ट है और 8 की रजिस्ट्रेशन है। आज की वीडियो में इस गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को बताई जाएगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस करें, उसको ऑल पे करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चले आज की गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं जी, ग्रीन कलर है और 1997 मॉडल है और गाड़ी जो है इसमें जस्ट एक पीस टचिंग है और बाकी ये जो गाड़ी है तकरीबन टोटल जेन्युइन है शोरूम के बकौल। और इसके अलावा जो है सबसे पहले तो मैं गाड़ी का फ्रंट आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ्रंट इसकी क्या लुक है, इसकी क्या कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट आप इसका देख सकते हैं। फ्रंट जो है इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बोनट है इसका डेंटलेस बोनट है, इसका कोई भी आप लोगों की यहाँ पे डेंट वगैरह नज़र नहीं आएगा। बाकी जो इसकी ग्रिल है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रस नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। बाकी जो इसकी फ्रंट लाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये जी मतलब बड़ी अच्छी क्वालिटी की DLR जो लाइट्स होती हैं वो लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा LED लाइट इधर इंस्टॉल की गई हुई है। बाकी जो फ्रंट है इसका वो माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में मौजूद है, मॉडल जितना पुराना मॉडल है उस मॉडल होने के लिहाज से। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हैं, ये लाहौर की रजिस्ट्रेशन नंबर इसको मतलब लगा हुआ है। बाकी साइड से गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं, कलर इसका दिखाते हैं और इसके टायर्स आप लोगों को दिखाते हैं। टायर्स आप देखें जी, बड़ी ही शानदार हालत में टायर्स हैं, अलॉय में इसमें लगे हुए हैं, कोई भी मसले वाली बात नहीं है जी। लैंड क्रूजर प्राडो है, अंदर से भी गाड़ी आपको दिखाते हैं, पीछे से भी गाड़ी दिखाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं जी अभी बैक साइड की तरफ, बैक साइड आप लोगों को गाड़ी की दिखाते हैं। स्टेपनी मौजूद है, स्पॉइलर लगा हुआ है, गाड़ी का पूरा जो बैक से व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं जी। बम्पर जो है इसका पीछे वाला वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसके अलावा जो रियर कैमरा है वो आप देख सकते हैं जी, रियर कैमरा जो है पीछे इसमें लगा हुआ है। तो अभी जो है इसका जो ट्रंक है वो भी खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं जी। ये आप देखें जी, इसके जो सीले वगैरह हैं डिक्की की वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, गत्ते वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। बैक स्पेस जो है बड़ी शानदार हालत में है, मतलब इसमें आप कोई भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बाकी ये जो फोल्डिंग सीट्स हैं इनको आप खोल के तो इसको 7 सीटर भी बना सकते हैं और अपना खुला डुला सामान जो है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मोस्टली जो शौकीन लोग हैं वो ऐसी गाड़ियाँ खरीदते हैं जो कि ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, तो बड़ी गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बड़ी बेस्ट चीज़ है। और अभी तो इसकी बैक साइड दिखाई है, बैक रूम दिखाया है, तो चलते हैं जिसके इंटीरियर की तरफ कि इसका इंटीरियर किस तरह का, उसकी क्या कंडीशन है। चलें जी जी। तो व्यूवर्स इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी का जो सिस्टम है थोड़ा सा ऑन हो गया है। बाकी जो आप इसके डोर की सीले वगैरह हैं वो चेक करें, गत्ते वगैरह इसके बिल्कुल परफेक्ट अपनी असल हालत में मौजूद हैं। अंदर से अगर आप लोगों को दिखाएं तो डैशबोर्ड जो है इसका माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। AC वगैरह इसका प्रॉपर चिल्ड है दोस्तों, और जिसका 4x4 है वो भी एक्टिव है, और जो गियर ट्रांसमिशन है ये ऑटोमेटिक गियर्स हैं, इसमें LCD लगी हुई है, ड्यूल AC है इसमें, और जिसकी लेदर पोशिश है वो भी बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है। और इसके अलावा जिसका सनरूफ है वो भी एक्टिव है दोस्तों। पीछे वाली सीट्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो पीछे वाली सीट्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, जो पोशिश है वो बिल्कुल अच्छी हालत में है, उसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है। बाकी नीचे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो मैट्स वगैरह हैं गाड़ी के वो भी बिल्कुल अच्छी हालत में मौजूद हैं। तो दोस्तों अंदर से तो गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है, तो अभी जो है गाड़ी का इंजन आप लोगों को दिखाते हैं कि इंजन की क्या कंडीशन है और ये कितने CC है, क्या पावर है इसकी और ये क्या माइलेज देती है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जी, 97 मॉडल लैंड क्रूजर प्राडो का इंजन बहुत ही ज़बरदस्त हालत में इसका इंजन है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। 3400 CC इस गाड़ी का इंजन है और जो कि बड़ी शानदार पावर में है। इसकी फ्रंट पट्टी आप देख सकते हैं जी, नॉन एक्सीडेंट गाड़ी है, मैकेनिकली गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। आपने जिस इसको ख़रीदना है, ड्राइव करना है, इसकी जो बिस्किट है वो आप देख सकते हैं जी। इसका चेसी नंबर जो है बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मौजूद है, बैटरी वगैरह जो है इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑल ओवर जो गाड़ी इंजन वाइज है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। ऊपर बोनट आप देख सकते हैं जी, बोनट की जो सीले वगैरह हैं वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। मैकेनिकली गाड़ी में कोई भी काम शाम करवाने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे आपने खरीदना है इसको ड्राइव करना है। बाकी ये जो गाड़ी है पर लीटर के हिसाब से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर जो है आपको एवरेज देती है। तो दोस्तों अभी इस गाड़ी की जो प्राइस है उसके बारे में अगर आपको बताऊं कि इसकी क्या डिमांड की जा रही है, तो इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है, ब्लोच मोटर्स पर यह गाड़ी अवेलेबल है पिंडी बाईपास में, और इस गाड़ी की जो डिमांड है 33.5 लाख रुपये डिमांड की जा रही है। प्राइस फिक्स नहीं है इसमें, इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं जी प्राइस बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली ये गाड़ी जो है ये शोरूम वालों की होती है और वो डिमांड करते हैं, गाड़ी हमारी नहीं होती। बाकी ये है कि डिमांड उनकी है, लेनी है आपने है गाड़ी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो आई होप दोस्तों कि आज की जो गाड़ी है
आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, अच्छी लगेगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और जो बेल आइकन निशान है उसको ऐसे करके सब्सक्राइब कर दें, दबा दें उसको ज़ोर से, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।